मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनम है, जो बताएंगे कि कमर में दर्द के क्या कारण होते हैं महिलाओं में, और क्या उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या उसका साइंटिफिक बेसिस है, डिफरेंट टाइप्स के कमर दर्द के क्या कारण होते हैं, और क्या हम घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। और मेरे साथ सौम्या भी है, जो कि इसके लिए क्या पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल योग है वो भी बताएंगी। मैं डॉक्टर सोनम से बोलता हूँ, डॉक्टर सोनम बताएंगे। कमर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट 99-100% लेडीज़ को लाइफ में कभी ना कभी एक आधी बार फेस करनी पड़ती है। कमर दर्द ऊपर वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, कहीं पे भी हो सकती है। ऊपर वाले हिस्से में यूजुअली मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह से होती है। बीच वाले हिस्से में यूजुअली कमर दर्द जो होती है वो पोस्चर की वजह से होती है, मतलब हमारा बैठने का तरीका, दूध पिलाने का तरीका वो ख़राब होता है, उसकी वजह से होती है। और जो नीचे की दर्द है उसके कारण मेनली दो कारण हैं, एक हमारी जो नीचे की या जो स्पाइन है उसमें दिक्कत होती है, और दूसरा जब मोटापा आ जाता है, जैसे इनका भी अंदर धंसा हुआ है, ऐसे धंस जाता है, मोटापा एक कारण है, दूसरा मांसपेशियां कमज़ोर हैं, और तीसरा जो सबसे कॉमन कारण है, हर लेडी जो सेक्सुअली एक्टिव है या किसी जिसने बच्चे को कभी जन्म दिया है, उसके यूट्रस के आसपास ये रुई के जैसे टिश्यूज़ होते हैं या मांसपेशियाँ होती हैं, जिसकी इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन होने के कारण उसकी पेशेंट को पेन होती है। वो दर्द जो है होती बच्चेदानी के आसपास है इन्फेक्शन, लेकिन जो पेशेंट फील करता है वो इन्फेक्शन जो होती है, जो पेन होती है, वो उसको कमर दर्द में यहाँ पे महसूस होती है इसलिए। और पेशेंट ये सोचता है, इसके लिए वो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की बनिस्पत। अब सबसे बड़ा कारण, दूसरा कारण जो सबसे जो आजकल देखा गया है वो है विटामिन डी की कमी, जो धूप की कमी की वजह से होता है। आजकल हम एसी में रहते हैं, अंदर रहते हैं, और यूजुअली शीशे के थ्रू धूप आती है, तो वो धूप जो है वो हमें विटामिन डी नहीं देती। हमें कम से कम 2 घंटे की धूप 30% बॉडी एक्सपोज के साथ चाहिए, तभी जो हम खा रहे हैं विटामिन डी वो शरीर में हड्डियों में लगेगा और तभी दर्द नहीं होगी। तो विटामिन डी का लेवल करवा सकते हैं, और अपना विटामिन डी का लेवल नॉर्मल आते ही आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। जो सबसे और एक कॉमन कारण है जिसमें हम फील करते हैं कि पेशेंट को पेन यहाँ है, कभी टांग में यहाँ जाता है, कभी टांग में इधर जाता है, या जब वो बैठती है उठती है तब उसको कमर में दर्द होता है, उसका सबसे कॉमन कारण है जो हमारी स्पाइन है, वो इनकी हम स्पाइन हमारी सीधी होती है, अगर मैं इसे कहूँ ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये जो मनके होते हैं स्पाइन के, उनके बीच में एक कुशन होता है, वो कुशन आगे धक्का देता है और मांसपेशियों को दबाता है, नर्व्स को दबाता है। जब वो नर्व्स को दबाता है तो पेन पेशेंट को होती है। तो इसका सबसे कॉमन कारण है कि जो स्पाइन की बैक की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए हम आपको योगा के आसन बताएंगे, कुछ खान पान बताएंगे, जिससे हमें आपको ये समझ आएगा कि उन योगा आसन को अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। योगा आसन अभी हम दिखा रहे हैं आपको, एंड में दिखाएंगे आपको। उससे पहले हम बात करेंगे जो इन्फेक्शन, जो लेडीज़ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम रोज़ फील करते हैं, यहाँ से पानी पड़ता है पेशेंट को, वो ये सोचता है कि पानी की प्रॉब्लम है, इससे उसे कमर में दर्द है, लेकिन ये सारा कुछ यूट्रस की इन्फेक्शन से रिलेटेड है। ये ट्यूब्स में भी इन्फेक्शन होती है जिससे बच्चे नहीं होते, यही बिल्कुल सामने ही पेशाब की थैली होती है। यूजुअली जब शादी होती है तो हनीमून पे पेशेंट को पेशाब में जलन हो जाती है, वो जलन जो इन्फेक्शन है वो यूट्रस के अंदर जाती है, उसकी ट्यूब्स, अंडेदानियाँ, ये आसपास के मांसपेशियाँ, ये सब में इन्फेक्शन होने की वजह से उसको पेट में दर्द होता है, पेशाब में जलन होता है, और बदबूदार या खारिश वाला पानी पड़ता है। इन तीनों चीज़ों की जब तक इलाज नहीं होएगा पेशेंट का, तब तक वो ठीक नहीं होएगी, उसकी कमर दर्द क्रॉनिक हो जाएगी अगर वो 3 महीने से ऊपर ये उसकी सिम्टम्स चलेंगे, और आगे चल के उसको बच्चा होने में भी दिक्कत होएगी। तो कमर दर्द को आप ये समझिए बॉडी का एक बेसिक सिस्टम है, जिसको अगर हम सिस्टमैटिकली अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो ताउम्र हमें कमर दर्द से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम आपको योगा आसन दिखा रहे हैं जो हमें इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज अगर हमारी मांसपेशियां हमें स्ट्रांग चाहिए, यहाँ की मांसपेशियां स्ट्रांग चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जितनी मूवमेंट्स हैं स्पाइन की, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें से जो नसें बाहर निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके नसें निकलती हैं जिनकी वजह से आपको पेन होती है, और वो जब तक स्ट्रांग नहीं होएंगी तो जो मनके हैं वो आपस में ऐसे चिपक जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कभी लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं,
या ये बोलते हैं कि उनकी नसें जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो अगर आप योगा रेगुलर करेंगे और खान पान का ध्यान रखेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आपको योगासन दिखाएंगे। मैडम ने बड़ा अच्छा बताया, और अब सोमा करके दिखाएगी योगासन। यह है मरकटासन। मरकट मतलब मंकी पोज, बंदर की तरह से बड़ी लचीली कमर होती है बंदर की, एक शाखा से दूसरी शाखा चेंज, सोमा रिवर्स। ये देखिए बड़ा आसान है, ऐसे आसन लगभग 10-10 बार कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेके, लंबी सांस छोड़ना ऐसे। उसके बाद पवन मुक्तासन, सौम्य पवन मुक्तासन। ये देखिए कितना आसान है, ऐसे पहले एक लेफ्ट लेग के साथ स्माइलिंग फेस खुश हंसते हुए, फिर दूसरे उसे। देखिए बड़ा आसान है और लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये मरकटासन का, ये पवन मुक्तासन, उसके बाद रिवर्स सौम्य उल्टी लेट के। एक तो भुजंगासन, ये बड़ा अच्छा पोज है इसके लिए, लगभग 10 बार करें हम ऐसे, धीरे धीरे लंबी सांस लेके धीरे धीरे उठना ऐसे, और फिर वैसे करना होता है लगभग 40-50 सेकंड के लिए वापस, लेकिन सौम्य थोड़े समय के लिए करिए, अभी टाइम कम है। इसका सेकंड पोज सौम्य, दोनों हाथ हथेली पर रखे, सेकंड पोज ये भुजंगासन का सेकंड पोज ऐसे। ये देखिए कितना आसान है, इससे कमर को बड़ा ही आराम मिलता है, इसकी मांसपेशियों की स्टिफनेस दूर हो जाती है, लचीलेपन आता है। अब मार्जरी आसन सौम्य, कैट कैमल पोज, कैट स्ट्रेच। ये देखिए अब जैसे जब जब सिर नीचे है तो कमर पूरी ऊपर उठा रखी है, फिर जब कमर नीचे गई तो सिर ऊपर उठा लिया ऐसे। ये देखिए इससे कमर का लचीलापन वापस आ जाता है और बिल्कुल स्टिफनेस आगे खत्म हो जाती है, बड़ा ही हल्का शरीर हो जाता है। ये हो गया, दोबारा करो एक बार सौम्य, कैट स्ट्रेच फिर से। ये देखिए केवल ये चार आसन बताए हैं हम, मैंने ये आसन भी करें जरूर ये, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम। सो मैं एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाओ। अनुलोम विलोम प्राणायाम से बॉडी का बैलेंस ठीक होता है, हार्मोन बैलेंस, जो गुड हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन चले जाते हैं, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंप्रूव होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम जो स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कम जाता है। ऐसे भी कम से कम आधा घंटा करें, ये तो रामबाण है उसके लिए, कमर दर्द के लिए। उसके अलावा खान पान में चेंज करना है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, क्योंकि वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ लेकिन मेरा आयुर्वेद में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आयुर्वेद में कमर दर्द को वात रोग बताया गया है। वात को शांत करने के लिए मेथी का उपयोग कर सकते हैं, मेथी को भिगो के यूज़ करें, जैसे 1/4 चम्मच मेथी ले ली हमने और उसको धो के अच्छी तरह से 1 गिलास छोटे छोटे से 1/4 गिलास पानी में भिगो दिया हमने, सुबह उठ के उसको मेथी को चबा के खा लें और उसका पानी भी पी लें खाना खाने से आधा घंटा पहले। इसी तरह से सुबह भिगो के रख दिया हमने तो शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले उसको मेथी को भी चबा के खा लें, पानी भी पी लें, इससे बड़ा अच्छा बात दूर। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से कमर दर्द है तो हरड़ मुरब्बा होता है, घर पर भी बना सकते हैं हरड़ मुरब्बा या फिर बाजार से भी ले सकते हैं। एक हरड़ खा लें इसे खाना खाने के आधे घंटे के बाद और 1 चम्मच इसका अर्क ले लें, इससे भी कमर दर्द ठीक होगा। ये बड़े सिंपल उपाय हैं, लाइफस्टाइल ठीक करके हम अच्छा कर सकते हैं कमर दर्द को। रात को खाना सोने से पहले खा लें, 7 बजे तक सॉरी सूरज छिपने से पहले खाना खा लें और समय से सोएं, फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करें आराम आराम से जितना कर सकते हैं, फिर जल्दी समय से 9 बजे तक सो जाएं थक के अच्छी तरह से, और सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह एक समय समय पर मालिश भी करें, तिल के तेल से बॉडी की मालिश करनी है उससे बड़ा अच्छा रहेगा, और सुबह योगाभ्यास भी करें और सिंपल खाना खाएं, उससे कमर दर्द जल्दी ठीक होगा। दोनों टाइम सुबह शाम वॉक कर लें तो अच्छा रहेगा। मैडम ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैडम का भी ये यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सोनम IVF इस नाम से, और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। कोई भी आपकी क्वेरी हो डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करें। और हमारे जो जगदम्बा बीबीकर का चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर तो ऐसी साइंटिफिक वीडियो बहुत सारी हैं ही, और मैं तो हर संडे को शाम को 4 से 5 लाइव भी होता हूँ यूट्यूब पर, तो उसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू।